हेलो एवरीवन कैसे हो सब कोई हाउ आर यू ऑल आई होप योर डूइंग ग्रेट आई एम अभिलाष अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभियर्णा राइट तो आज जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है आज हम लोग करने वाले हैं पी का प्रॉब्लम ये एक सीरीज में चल रहा है जिन लोगों ने पुराना वीडियो एक नहीं देखा है वो देख ले पांच प्रॉब्लम वहां हो चुका है और आज हम लोग कुछ पांच पाँछ प्रॉब्लम पांच छह प्रॉब्लम यहां करने वाले ठीक है तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम देखो पीआरएमओ 2012 में पहला प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर वन रामा वाज आस्क्ड बाय हर टीचर टू सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिवाइड नाइन ठीक है देन डिवाइड नाइन ठीक है एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय नाइन ठीक है इन सी सब्ट्रैक्टेड नाइन देन डिवाइड द रिजल्ट बाई थ्री समझना खेल यहां पर ठीक है रामा को उसके टीचर ने क्या बोला कि भैया एक नंबर दिया ठीक है उसमें थ्री सब्ट्रैक्ट करो और फिर नौ से उसको डिवाइड कर दो ये रामा के टीचर ने बोला तो दिस इज द करेक्ट वे ठीक है लेकिन रामा ने क्या किया रामा ने उल्टा कर दिया रामा क्या की रामा पहले नाइन सब कर दी और फिर तीन से डिवाइड की तो रामा ने क्या किया लेट मी शो यू रामा ने पहले नाइन सब किया और फिर तीन डिवाइड किया और उसको रिजल्ट जो है वो मिल गया सी गॉट फोर्टी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भैया रामा उसके टीचर ने उसे बोला कोई नंबर एक दिया होगा उसमें थ्री सब करना और नाइन डिवाइड कर देना उल्टा काम कर दी 9 कर दिया पूछा है अगर उसने प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया होता तो उसका आंसर कितना आता बेहद सिंपल सवाल है इसका वैल्यू आपको निकालना है तो जस्ट क्या करे इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एन माइनस नाइन टू फोर्टी थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी और नाइन को अगर काट पिट करोगे तो नाइन वन जन नाइन और फाइव नाइन फोर्टी फाइव फिफ्टीन आंसर हो जाएगा सिंपल फिफ्टीन इज यही आ रहा नहीं आ रहा है हाँ ना बोल दो हाँ ना बोल दो हाँ ना बोल दो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार मतलब देखो दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर टू अ ट्राइंगल विथ पेरीमीटर सेवन हैज इंटीजर साइड लेंथ ठीक है वॉट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच ट्राइंगल ओके क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बस समझना है उसको ध्यान से ठीक है एक ट्रैंगल है उस ट्रैंगल को मान लेते हैं कि तीन साइड उसका क्या है ए बी एंड सी एक साइड ए है दूसरा साइड बी है और तीसरा साइड सी है ठीक है उसका पेरीमीटर सेवन दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेवन है अब ध्यान से समझना उसके साइड लेंथ इंटीजर है मतलब क्या है ए बी एंड सी बिलोंग्स टू इंटीजर है भैया इंटीजर है तो वो बेस्ट नेचुरल नंबर होगा निगेटिव तो हो नहीं सकता जीरो तो हो नहीं सकता तो बात यहां पे हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन मतलब गेस कर सकते कि क्या क्या वैल्यू हो सकता है मान लो एक साइड एक हुआ दूसरा साइड भी एक हुआ तो तीसरा साइड कितना होगा फाइव ठीक है मतलब ऐसे ही पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं कि अगर तीन चीज को जोड़ के साथ आना है तो क्या क्या तीन चीज को जोड़ के साथ ला सकते हो बस हम लोग पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं ठीक है थीके? एक पॉसिबिलिटी ये होगा वन प्लस टू ठीक है टू और एक थ्री हो गया और यहां पे थ्री थ्री सिक्स नहीं सेवन लाना है भैया फोर ठीक है चार और तीन सात एक पॉसिबिलिटी ये हो गया ठीक है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर यहां वन रखे मी चेंज दी कलर ठीक है एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एक साइड को वन रखे दूसरे साइड को तीन रखे तो थ्री और एक फोर फोर और टू ठीक है एक पॉसिबिलिटी ये हो गया ठीक है कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है यार तीन और एक चार दो छ यहां भी तीन ही आएगा गड़बड़ यही हुआ है जोड़ने में ठीक है हाँ एक पॉसिबिलिटी ये होगा ध्यान से समझना तुमने क्या किया एक साइड को फिक्स एक कर दिया एक मिनट के लिए तो दूसरा साइड को एक रखा तीसरा साइड पांच आ जाएगा दूसरा साइड को दो रखा तीसरा साइड चार आ जाएगा दूसरा साइड को तीन रखा तीसरा साइड तीन आ जाएगा बात समझ रहे हो कैसे मतलब पॉसिबिलिटी निकाल रहे तुमने A, A का वैल्यू या बी का वैल्यू या सी का वैल्यू किसी एक साइड का वैल्यू फिक्स कर दिया वन मिनिमम वैल्यू वन तो होगा तो बाकी दोनों को आप वेरी कर रहे हो अगर पहले को वन रखे तो दूसरा पांच पहले को दो रखे तो दूसरा चार पहले को तीन रखे तो दूसरा छ अगर पहले को चार रखोगे मतलब वन फिक्स करने के बाद फिर चार रखोगे तो फिर से वो रिपीट होने लगेगा ये दो आ जाएगा ये और ये सेम है तो आई एम नॉट राइटिंग दी रिपीटेड वन ठीक है कोई ये मत बोलना सर ऑर्डर्ड पेयर है क्या यार एबीसी तुमने अपने माना है तुमने माना है एबीसी मैं तो बोलूंगा तीन साइड का जोड़ अब तीन साइड का जोड़ कोई बोले ध्यान से समझना कोई बोले दो चीज को जोड़ के पांच आ रहा है तो तीन प्लस दो लिखो या दो प्लस दो तीन लिखो बात बराबर है अगर बोल दे कि पहला वाला का वैल्यू एक्स दिया हुआ है तब फिर एक्स का वैल्यू दो कि अगर कोई बोले एनी दो, दो रैंडम नंबर है दो रैंडम नंबर को जोड़ के पांच आ रहा है और नेचुरल नंबर जोड़ना है तो तुम बोलोगे एक नंबर दो ले लो और दूसरा नंबर तीन ले लो कोई बंदा दूसरा बोला कि पहला नंबर को तीन ले लो और दूसरा नंबर को दो ले लो ये दोनों सेम है मेरे बॉस ये दोनों सेम है लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि पहला नंबर को हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे तब ये दोनों अलग अलग हो जाता कि दो लेगा या वाई लेगा। नहीं समझ में आ रहा है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वन प्लस फोर लिख नहीं सकते वापस रिपीट होने लगे तो अब इसको टू कर देते हैं अगर पहला साइड को टू कर दिए ठीक है और एक साइड को वन कर दिए तो दो और एक तीन और ये हो जाएगा चार ठीक है ये और चार हो जाएगा और ये भी हो चुका है तो ये भी नहीं लिखेंगे ठीक है पहला साइड को दो कर दिए और दूसरा साइड को भी दो कर दिए तो तीसरा साइड कितना आएगा मेरे भाई तीसरा साइड आएगा तीन ठीक है तीसरा साइड आएगा मेरे भाई तीन और मेरी बहन ठीक है अब तुम और भी पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो लेकिन सब तुमको पता चलेगा सब इसी में रिपीटेशन होने लगे ये चार ही पॉसिबिलिटी है बाकी ऑर्डर चेंज हो जाएगा जैसे अगर यहां तीन लिख दिए पहला साइड तो जहां जहां तीन आ रहा है उसी में से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी आ जाएगा

भाग में बांट दिया कि कौन कौन तीन नंबर को छोड़ के सेवन आ सकता है ट्राइंगल के बारे में मैंने बात नहीं किया लेकिन ये ट्राइंगल का साइड है ना भाई तो ट्राइंगल के बारे में तो बात करोगे तुम कोई भी तीन नंबर को जोड़ के ट्राइंगल थोड़ी बना दोगे ट्राइंगल का अपना एक औकात है अपना एक टशन है टशन ये है कि भैया दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा तो अगर तुम इस वन को और इस वन को जोड़ोगे तो दो आएगा और दो पांच से बड़ा कता ही नहीं होता है तो ये तो ट्राइंगल हो ही नहीं सकता ये तो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता मेरे बॉस वन को जोड़ोगे टू से तो थ्री आएगा और थ्री फोर से बड़ा हो ही नहीं सकता तो ये भी नहीं होगा बात समझ में आ रहा है यार ट्रायंगल का बेसिक लॉ को तोड़ दे रहा है ये लोग ठीक है दो और एक तीन और सम ऑफ टू साइड इज तो लेस देन डी थर्ड साइड आ गया ऐसा थोड़ी होगा ठीक है ऐसा थोड़ी होगा बात समझ रहे हो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग यार ठीक है चलो यानी कि इसको देख लेते तीन और एक चार तीन से बड़ा है तीन तीन छह एक से बड़ा है तीन एक चार तीन से बड़ा है दो दो चार तीन से बड़ा है तीन दो पांच दो से बड़ा है, टसंट ये दोनों सक्सेसफुल है ठीक है तो यानी हमारे पास दो ट्राइंगल है एक है वन कॉमा तीन कॉमा तीन और एक है टू कॉमा टू कॉमा तीन ठीक है हमारे पास दो ट्रैंगल दोनों ही आइसोसल ट्रैंगल है हमें निकालना है मैक्सिमम एरिया ध्यान से थोड़ा समझना बात को ध्यान से समझना थोड़ा बात को कि हम एक ट्रैंगल बनाते हैं एक ट्रैंगल बनाते हैं ये तीन है ये तीन है और ये अरे क्या हो गया बॉस ठीक है ये तीन है और ये एक है और एक ट्रायंगल बनाते हैं दूसरा ये दो है एक मिनट क्या हो जा रहा, आप हो जा रहा है ठीक ये दो, ये दो, ये है मेरे को दोनों एरिया, बेसिक, बेसिक का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेसिक फॉर्मूला तो मैं ये ट्रायंगल को वन नंबर नाम दे दूं इस ट्रायंगल को टू नंबर नाम दे दूं यहां का हाइट एच वन यहां का हाइट एच टू ठीक है

थर्टी फाइव बाई फोर का रूट एंड ये हो जाएगा रूट थर्टी फाइव अपॉन टू बहुत बढ़िया चलो हाइट एस टू निकालते हैं हाइट एस टू निकालते हैं ठीक है हाइट एस टू निकालते हैं हाइट एस टू क्या हो जाएगा रूट ओवर वाई से टू स्क्वायर माइनस ये क्या है ये थ्री बाई टू आधा होगा थ्री बाई टू का स्क्वायर इज नाइन बाई फोर अगेन तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस नाइन ये हो जाएगा सेवन बाई फोर का रूट रूट सेवन अपॉन टू तो एच टू यह आ गया और एच वन यह आ गया अब एरिया निकालते हैं अब एरिया निकालते हैं बहुत बढ़िया ठीक है अब एरिया निकालते हैं ठीक है ए वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो इसका बेस कितना था इसका बेस है वन साफ साफ दिख रहा है तो वन इंटू रूट थर्टी फाइव बाई टू तो ये बेसिकली हो जाएगा रूट थर्टी फाइव बाई फोर ठीक है और इसका एरिया निकालते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका भी होगा लेकिन इसका इसका बेस बेस जो है वो 3 है इसका 3 है 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 वो तो हाइट ठीक ध्यान से देखना यहां पे नीचे रहने देते कंपैरिजन करना इसलिए मैं 3 को अंदर इंटू नाइन सिक्स आ जाएगा ठीक है थ्री को अगर अंदर ले जाऊंगा तो थ्री स्क्वायर तो नाइन होता है नाइन इंटू सेवन सिक्सटी थ्री ठीक है अब बताओ यार अब बताओ दोनों का डेनोमेटर सेम है एरिया वन बड़ा है या एरिया टू बड़ा है एरिया वन बड़ा है या एरिया टू बड़ा है ये बताना है आपको तो एरिया टू बड़ा है तो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा ये वाला थ्री रूट सेवन अपॉन फोर दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर यही निकालना था यार एक बार चेक कर लो एक बार चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो यही निकालना था ठीक है तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच ट्रज थ्री रूट थ्री बाई फोर भले ही ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगे कुछ लोगों को लग सकता है बट इट इज नॉट अ कन्वेंशनल ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो ऐसा पूछता है इन जनरल स्कूल के एग्जाम में या आपके एनसीआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो भले ही क्वेश्चन आसान हो बट इट इज ए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये बोल सकता हूं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो देखो यार अगला अपना क्वेश्चन नंबर थ्री है 2012 का फॉर इंटीजर एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर टू हंड्रेड बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन है कि भैया एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और आपको इसका वैल्यू यहां पे मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है एकदम सिंपल भाषा में ऐसा क्वेश्चन नंबर थ्योरी के अपने जो कोर्स चल रहा है उसमें पहले ही क्लास में दूसरा क्लास में हुआ है ऐसा ठीक है लेकिन फिर भी चलो हम करेंगे यहां पे भी सॉल्व ठीक है ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं वाई का वैल्यू निकाल दो वाई का वैल्यू क्या होगा हंड्रेड माइनस एक्स अपॉन थ्री अब बहुत ही सिंपल हो गया यार ध्यान से समझना वाई इंटीजर है एक्स इंटीजर पहले तो ये समझो एक्स इंटीजर है एक्स इंटीजर है ठीक है एक्स इंटीजर है अगर एक्स इंटीजर है तो एक्स का कोई भी वैल्यू पे वाई इंटीजर इंटीजर आ जाएगा क्या नहीं दैट इज क्वाइट ऑब्वियस एक्स का ऐसा वैल्यू रखना होगा कि न्यूमेरिटर तीन से डिवाइड हो जाए और न्यूमेरिटर अगर तीन से डिवाइड हो जाएगा तब वाई इंटीजर आएगा आर यू गेटिंग एम ट्राइंग टू से तुमको एक्स का ऐसा वैल्यू पुट करना है कि हंड्रेड माइनस एक्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ थ्री हंड्रेड माइनस एक्स शुड बी ए मल्टीपल ऑफ थ्री तो चलो पुट करना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं एक्स का वैल्यू वन नेचुरल नंबर नहीं है पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं वो है एक्स का वैल्यू वन ठीक है तो लेट मी पुट क्यों जीरो नहीं पुट कर सकते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर वन पुट करेंगे तो हंड्रेड माइनस वन तो नाइनटी नाइन होगा नाइन नाइन अपॉन थ्री अरे गजब यार पहले ही वैल्यू दे दिया वाई थर्टी थ्री दोनों इंटीजर आ गया मजा आ गया ठीक है दोनों इंटीजर आ गया मजा आ गया एक काम करते हैं लिस्ट ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं यहां लिखते हैं एक्स का वैल्यू यहां लिखते हैं वाई का वैल्यू तुमने पहली बार एक्स का वैल्यू वन रखा वाई तुम्हें थर्टी थ्री मिल गया ठीक है वाई तुम्हें थर्टी थ्री मिल गया एक्स का वैल्यू टू रखोगे इतना तो समझ में आ रहा है कि भैया टू में

दो नहीं रख सकते तीन नहीं रख सकते हो चार रखोगे जिसको नहीं समझ में आ रहा वो वैल्यू रख के देख ले वैल्यू वैल्यू रख लेक्स मल्टीपल ऑफ थ्री होगा वो होगा सेवन इट ना तीन तीन का डिफरेंस होगा जैसे ही सेवन रखोगे आएगा हंड्रेड माइनस सेवन विल बी नाइन थ्री इसको तीन से डिवाइड करोगे थर्टी वन आएगा ठीक है अब फिर इलेवन रखोगे ठीक है सात तीन दस रखोगे टेन रखोगे ठीक है टेन जैसे रखोगे तो आएगा नाइन और नाइनटी बाई थ्री होता है थर्टी थ्री थर्टी ठीक है ऐसे रखते जाओगे ऐसे रखते जाओगे ठीक है ध्यान से सुनना मैक्सिमम वैल्यू एक्स्ट्रा तुम क्या रख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू इतना रख सकते हो कि वाई पॉजिटिव होना चाहिए वाई निगेटिव नहीं होना चाहिए तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया एक्स को तो हंड्रेड से ज्यादा नहीं रख सकते हैं ठीक है एक्स को तो हंड्रेड से ज्यादा नहीं रख सकते है. बराबर भी नहीं रख सकते हो बराबर क्यों नहीं रख सकते हो अरे भैया अगर बराबर रखोगे x का वैल्यू 100 बराबर रखोगे तो 100 माइनस हंड्रेड जीरो हो जाएगा y जीरो नहीं हो सकता क्योंकि y पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है यानी कि हम 100 भी नहीं रख सकते यानी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं x का 99 लेकिन जैसे ही तुम नाइनटी रखोगे हंड्रेड माइनस आएगा और वन इज नॉट ए डिविजिबल ऑफ थ्री वन वन सॉरी इज़ नॉट डिविजिबल तो इंटीजर नहीं होगा एक्स का वैल्यू नाइनटी एट रख के देखो हंड्रेड माइनस नाइनटी एट टू आएगा टू बाई थ्री और डिविजिबल होगा वाई इंटीजर थोड़ी आएगा नाइन एट भी नहीं रख सकते हो एक्स का वैल्यू नाइनटी सेवन देखो ठीक है एक्स का वैल्यू नाइनटी सेवन रख के देखो हंड्रेड माइनस नाइंटी सेवन यानी कि वन क्या बात है बड़े ही प्रेम से. तो क्या मैं वैल्यूम वैल्यूटी सेवन और यहां पे मैं वही करने वाला हूं नाइनटी सेवन जब रखूंगा तो हंड्रेड माइनस नाइन्टी सेवन थ्री आएगा और थ्री बाई थ्री वन आएगा तो ये कितना पॉसिबल नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया ठीक है यार एक्स का वैल्यू देखना ही नहीं है यहां तो देखो थर्टी थ्री थर्टी टू थर्टी वन थर्टी ट्वेंटी नाइन बीच में कहीं होगा वन टू थ्री ऐसे चलेगा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो थर्टी थ्री पेयर हो जाएगा खत्म हो गया क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पर मैंने टाइम इसलिए लगाया कि ऐसा सॉरी आई एम सॉरी ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो लगते ही रहेगा ठीक है तो चलो आप आगे बढ़ते हैं कहानी आगे बढ़ाते हैं तो यार क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है लेटर्स क्या बात है रिप्रेजेंट होल नंबर रुक जाते हैं यार रुक जाते हैं आर एम और ओ तीनों के तीनों होल नंबर है लिख दो यार होल नंबर तीनों के तीनों होल नंबर है इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इफ आर एम तो एंड तो ओ का मल्टीप्लीकेशन टू फोर्टी है इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट कर देना आंसर आ जाएगा राइट जो भी वैल्यू आएगा यहां पुट करना और आंसर आ जाएगा तो देखते हैं हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं पहले तो यार देखते क्या क्या दिया हुआ है एक तो सिंपल है कि भैया तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है टू फोर्टी ठीक है एक दिया हुआ है और अगर इस तरह के सॉल्यूशन करने आते हैं तो आसान तो क्वेश्चन है नहीं आते हैं तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन लाओ यार थोड़ा ऑब्जर्वेशन लाओ यहां पे आर दिया हुआ है ठीक है अगर तुम इस इक्वेशन को इन एम कर दिए एक मिनट में ऐसे सोचो अगर इस इक्वेशन को इन एम कर दिए तो क्या यहां पर वैल्यू तुम्हें पता है? क्या यहां पे तो अगर तुम इस इक्वेशन में एम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या तुम्हें सिर्फ एम का एक इक्वेशन नहीं मिल जाएगा क्वॉटिटिक मेरे को बताओ क्या तुम्हें सिर्फ एम का इक्वेशन नहीं मिल जाएगा बिल्कुल मिल जाएगा तो लेटेस्ट मल्टीप्लाई यहां पे m मल्टीप्लाई करोगे तो आर एम ओ आ जाएगा ठीक है इन टू एम कर रहे हैं प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा और 46 m हो जाएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ही लेते हैं ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर्टी सिक्स एम और आर की वैल्यू दी हुई है टू फोर्टी इजिक्वल टू जीरो करोगे तो एम का वैल्यू आ जाएगा आई थिंक फोर्टी और सिक्स टू फोर्टी होता है राइट परफेक्ट तो एक वैल्यू आ जाएगा एम का फोर्टी और दूसरा आ जाएगा सिक्स यानी कि दो वैल्यू आ गया वैल्यू आ गया इन दिस सेम मैनर मेरे दोस्त यहां आर है यहां MO है अगर तुम इस इक्वेशन में into R करोगे तो क्या यहां पहला टर्म आर स्क्वायर नहीं बनेगा क्या एमओ में आर इंटू करके आर एमओ नहीं बनेगा जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या सिक्सटी फोर में आर करके सिक्सटी फोर आर नहीं बनेगा क्या एज अ होल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा जो आर के टर्म में होगा इन टू आर में कर रहा हूं यहां बनेगा आर स्क्वायर प्लस आर एम ओ इजिकल टू सिक्स माइनस सिक्सटी फोर आर और आर एमओ की वैल्यू टू फोर्टी दी हुई है तो यहां उसको लिखते हुए और इसको फैक्टराइज वैक्टराइज करके सॉल्यूशन आएगा सिक्सटी इंटू फोर टू फोर्टी होता है तो एक वैल्यू सिक्सटी आएगा और एक वैल्यू फोर आएगा क्या बात है अब ध्यान से समझना यहां पर यहां पे ध्यान से समझना है एम का आपके पास दो वैल्यू है एम का आपके पास दो वैल्यू है एक है फोर्टी और एक है सिक्स आर का आपके पास दो वैल्यू है एक है सिक्सटी और एक है फोर ठीक है और आपको यह पता है कि भैया आर का वैल्यू टू फोर्टी है ठीक है और आपको ओ का वैल्यू नहीं पता ये ओ है ठीक है जीरो मत समझ लेना o is equals to 240 R M. तक ये ओ है इसको जीरो मत समझ लेना ठीक है बहुत बढ़िया अब देखो यार बहुत बढ़िया से। अगर तुम आर और वैल्यू का दोनों दो, तो का, का, तो तो का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं एक पेयर होगा कि आर का वैल्यू सिक्स रख लो और एम का वैल्यू फोर्टी रख लो एक पेयर होगा कि आर का वैल्यू सिक्स रख लो और एम का वैल्यू सिक्स रख लो क्यों ऐसा पेयर बन रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंट है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि एम का वैल्यू फोर्टी रखने के बाद यू गॉट आर का वैल्यू सिक्सटी ऐसा बिल्कुल नहीं है एम का वैल्यू अलग ही आया है इंडि, इंडिपेंडेंटली आया है आर का वैल्यू भी इंडिपेंडेंटली आया है तो दोनों का पेयर बनाना पड़ रहा है ये मत सोचना कि 40 वाले में 4 होगा और 6 वाले में 60 होगा या 40 वाले में 60 होगा ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि यू गॉट द वैल्यूज ऑफ एम एंड आर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट वैल्यू आया अपने ठीक है, फिर अगर आर का वैल्यू फोर रखोगे तो एम का वैल्यू फोर्टी होगा मतलब एक तरीका यह है और आर का वैल्यू फोर रखोगे तो एक तरीका यह कि सिक्स होगा <coughs> यानी कि यानी कि ये चार पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल है ये चार पॉसिबिलिटी है आर और एम की वैल्यू लिखने की लेकिन आपको तो ओ का वैल्यू निकालना है और ओ है टू फोर्टी अपॉन आर इन एम बताना साहब है या नहीं है ठीक है अब एक बात यहां पे और होगा क्योंकि ओ भी होल नंबर है ओ भी होल नंबर है होल नंबर है ठीक है अगर ये होल नंबर है तो यानी कि आर और एम का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि जब तुम टू फोर्टी से इसको डिवाइड करो तो भैया होल नंबर आए अरे छोटा छोटा चीजें मजा आता है करने में मजा आता है सब छोटा छोटा चीज है ना तो यानी कि आर इन एम इंटू एम इस तरीके से होना चाहिए कि वो 240 से डिवाइड हो जाए चलो अब ये वैल्यू को पुट करके देखते हैं अगर यहां से ओ की वैल्यू निकालोगे तो 240 फोर्टी अपॉन सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर हंड्रेड और के नीचे 10 आएगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज नॉट अ होल नंबर चलो ये देखते हैं ठीक है ओ की वैल्यू टू फोर्टी अपॉन सिक्स सिक्सटी इंटू सिक्स थ्री सिक्सटी यहां से भी इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज नॉट ए होल नंबर काटोगे तो ये होगा सिक्स से काटोगे तो फोर सिक्स थर्टी सिक्स फिर टू एट से डायरेक्ट काट एट नहीं ठीक है ठीक है ये काट दिए सीधे बारह से बारह दो बारह तीन हाँ टू बाई थ्री आ गया तो टू बाई थ्री इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज होल नंबर नहीं है फोर और फोर्टी रख के देखते हैं फोर और फोर्टी रख के देखते हैं ठीक है फोर और फोर्टी रख के देखते हैं यहां से ओ की वैल्यू क्या आ रही है ओ की वैल्यू आ रही है टू फोर्टी अपॉन फोर इंटू फोर्टी विच इज वन सिक्सटी अगेन इट इज नॉट अ होल नंबर एट इंटू टू सिक्सटीन और एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर तो थ्री बाई टू इज नॉट अ होल नंबर नॉट एक्सेप्टेबल ऑल दिज वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ओ इज नॉट एन होल नंबर तो ऑब्वियस पूरी उम्मीद है कि लास्ट वाला तो आएगा ही आएगा तो यहां पर ओ की वैल्यू विल भी इक्वल टू टू फोर्टी अपॉन सिक्स इंटू फोर इज नी फोर टक टक दस आया टेन तो ओ की वैल्यू टेन आ गया एंड इट इज ए होल नंबर एंड हिंस इट इज एक्सेप्टेबल क्या बात है यानी कि जब तुम आर का वैल्यू फोर ले रहे हो एंड एम का वैल्यू सिक्स ले रहे हो देन ओ का वैल्यू टेन एक्सेप्टेबल वाला आ रहा है और आपको बहुत ही प्यार से आर प्लस एम प्लस ओ निकालना था तो फोर प्लस टेन इज नथिंग बट नी तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर या ना बता दो यार हा ना बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है बेहद सिंपली सिंपल सवाल है बेहद सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है करने के लिए और तुम लोग uh, मानो या ना मानो इवन 2019, 2018 एंड 2017 का पेपर भी ऐसा था कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए टॉप करने के लिए जरूरत है फोड़ने के लिए जरूरत है लेकिन अगर जस्ट क्वालिफाई करना है तो अगर आपके अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है अच्छे से पढ़ाई किया है बेसिक नॉलेज क्लियर है पूरा खेल बेसिक नॉलेज का है पूरा खेल बेसिक नॉलेज का अगर आपको सिर्फ इतना पता है ये पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम होता है, है तो बेसिक दाँग। दाँग लेकिन आपको अगर ये पता है कि पे A2, B2, C2 कैसे आया, उसको किस तरह से लाते हैं, में उसको क्या कर सकते हैं चेंज तो वो थोड़ो नॉलेज काम आता है और वही फिर आगे जाके बहुत सारे थ्योरम को निकालता है आपका एकदम जो दिमाग है वो खुला होना चाहिए इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बंद नहीं होना चाहिए कि हम यही फॉर्मूला यूज कर सकते वो नहीं होना चाहिए ठीक है वो नहीं होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अरे सम ऑफ यू मे थिंक कि सर आपने अभी तो क्वेश्चन नंबर फोर कराया था और उसके बाद सीधे आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे जंप कर गए ऐसा क्यों सर तो बीच में क्वेश्चन फोर और ट्वेल्व के बीच में कुछ सात क्वेश्चन का गैप है उस सात में से चार क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट क्लास में करवा चुका हूं फिर आप बोलोगे कि सर तीन या चार ही तो दो तीन क्वेश्चन तो फिर भी वो क्वेश्चन जोमेट्री के हैं तो अगला सेशन जब ज्योमेट्री का आएगा जो भी रिकॉर्डिंग दे, वीडियो देख रहे हो देख लो ज्योमेट्री का शायद आ भी गया हो एक दो दिन बाद आ जाएगा इस वीडियो के रिलीज होने के बाद नेक्स्ट वीडियो तो उसमें वो क्वेश्चन करेंगे नंबर वाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है नाउ रीड दिस क्वेश्चन इफ वन अपॉन रूट अंडर टू थाउजेंड इलेवन प्लस रूट ओवर टू थाउजेंड इलेवन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू रूट एम माइनस रूट एन वेयर एम एन एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स वॉट इज दैल्यू ऑफ एम प्लस एन दिखने में बड़ा ही सिंपल है क्या करना है क्या निकालना है क्वेश्चन भी सबको समझ में आया होगा कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख दे तो हमें एम और एन का वैल्यू मिल जाएगा और एम प्लस एन कर देंगे वेरी सिंपल थिंग बहुत लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि अरे डेनोवेटर में रूट है और जब भी डेनोवेटर में रूट होता है तो हमें सिखाया गया था कि हम रूट को इलिमिनेट करते हैं और उसको रेशनलाइज करते हैं क्या करते हैं रेशनलाइज और रेशनलाइज कैसे करते हैं रेशनलाइज कैसे करते हैं यह भी बताया गया ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं यह भी बताया गया ठीक है लेकिन एक रेशनलाइजेशन का दिमाग में आ जाना चाहिए दूसरी बात यह समझना चाहिए कि जो भी आउटपुट चाहिए उसके उस आउटपुट में डेनोमेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए तो लेट मी राइट क्या वन अपॉन टू थाउजेंड इलेवन प्लस रूट ओवर टू थाउजेंड इलेवन स्क्वायर माइनस वन के रूट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वन अपॉन टू थाउजेंड इलेवन प्लस रूट ओवर टू थाउजेंड इलेवन स्क्वायर माइनस वन क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं सम ऑफ यू मे डू क्या करोगे ठीक है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वन बाई रूट टू लिखा हुआ है ठीक है बहुत फेयर एनफीजे वन अपॉन रूट टू लिखा हुआ है ठीक है तो अब मेरे को बोला गया इसको रेशनलाइज करो यार तो तुम क्या करोगे इसको रूट टू बाई रूट टू से कर दोगे और मैं भी यही करूंगा तो रूट और रूट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ऊपर रूट आ जाएगा बोलो बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो सम ऑफ यू क्या करोगे कि इसको रूट अंडर इतने ही से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर और नीचे तो नीचे का रूट हट जाएगा है ना कर सकते हो कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है लेकिन यहां से चीजें और एक दो स्टेप कम हो जाएगा ठीक है देखो यहां पे क्या होगा अब रेशन अब करते हैं स्क्वायर माइनस वन अगर तुम्हें याद है बचपन के क्लास नाइन या उससे भी पहले जब आपने रेशनाइजेशन पढ़ा होगा तो आपके सामने कुछ ऐसे चीजें रहती थी कि रूट ए माइनस रूट बी तो इसको रेशनलाइज कैसे करते थे इसको आप करते थे वन सॉरी रूट ए प्लस रूट बी से इससे फायदा क्या होता था सर इससे फायदा ये होता था कि जब ये दोनों डेरो मल्टीप्लाई करते थे तो इसका और इसका स्क्वायर होता था इसका और इसका स्क्वायर होता था और तुम्हारा मेन जो धर्म है जो कर्मा है यहां पे वो स्क्वायर हटाना ही था बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यार यहां पे भी ये टर्म है और ये टर्म है और बीच में प्लस साइन है तो क्या मैं इससे इंटू करके इसको रूट को नहीं हटा सकता हूं बताना यार क्या मैं इससे इंटू करके इसके रूट को नहीं हटा सकता हूं बिल्कुल हटा सकता हूं बिल्कुल हटा सकता हूं कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर तुम हटा सकते हो तो हटाओ यहां पे यार क्यों वेट कर रहे हो ऊपर में तो ये आ जाएगा 2011 माइनस रूट अंडर 2011 स्क्वायर माइनस वन अपॉन ध्यान से देखना ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा रूट और रूट हट जाएगा ये हो जाएगा टू थाउजेंड इलेवन स्क्स वन और यहां और यहां प्लस माइनस टक टक कटेगा माइनस माइनस प्लस वन नीचे सिर्फ प्लस वन बचेगा यानी कि यू विल बी लेफ्ट यूलिफ्ट इलेवन माइनस रूट ओवर टू थाउजेंड इलेवन स्क्वायर माइनस वन चलो पूरी कहानी तो सेट हो चुकी है बस एक कहानी बची है हमें न्यूमैरेटर में नंबर लाना था हमने न्यूमेरेटर में ले आया बट हमें न्यूमेरेटर में भी दो रूट के माइनस के बीच में लाना है मतलब दो रूट के डिफरेंस के टर्म में लाना है तो यार अब एक तरीका होगा कि जो बाहर वाला रूट है इसको किसी तरह हटाए बाहर वाला रूट को किसी तरह हटाए अब कैसे हटाएंगे किसी, हटा किसी तरह नहीं हटा सकते एक ही तरीका है कि अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखे अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो चलो देखते हैं कुछ कुछ कर करके यहां पे ये भी तु, ये भी भी क्वेश्चन तुमने स्कूल लेवल पे स्कूल लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे किया है ऐसे क्वेश्चन ट्रस्ट मी बस यहां वैल्यू कुछ अजीब सा दिया हुआ है देखने में कुछ अजीब लग रहा है वहां देखने में भी खूबसूरत लगता था चीजें अगर यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा टू थाउजेंड इलेवन माइनस वन यानी कि दो हजार दस और टू थाउजेंड इलेवन प्लस वन यानी कि टू थाउजेंड ट्वेल्व ऐसा कर सकते हो कि नहीं सारे? कर सकते हो बताओ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो अब ध्यान से दिखना हुँ. अगर तुम यहां पे तो 2011 है माइनस यहां से टू कॉमन ले लिए ठीक है टू कॉमन ले लिए तो क्या होगा टू इंटू वन जीरो जीरो और यहां से टू कॉमन लोगे मतलब टू बाहर निकाल लोगे कॉमन लेने का मतलब वन जीरो, जीरो सिक्स यहां पे दो बाय टू आ गया टू का पेयर बन गया तो क्या तुम टू तु को बाहर निकाल सकते हो बता रहे निकाल तो सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है टू को बाहर निकालोगे तो रूट ओवर क्या आएगा थाउजेंड फाइव इन टू अगर तुम समझ पा रहे हो कि रूट के अंदर अगर तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना और इेशनल नंबर है तो तुम्हें इस चीज का सहारा लेना होगा या तो प्लस या तो माइनस टू ए बी इस चीज का सहारा लेना होगा और यहां सहारा दिख रहा है यहां बोल रहे हैं साफ साफ कि आओ मेरा सहारा ले लो माइनस टू लिखा हुआ हूं ये टू है ये रूट ये ए है और ये बी है मतलब अगर ए प्लस को हम लोग थाउजेंड फाइव और रूट वन थाउजेंड सिक्स लिखे तो शायद कहानी बन सकती है ठीक है तो यहां पे लिख के देखते हैं अगर मैं रूट मतलब ए को रूट थाउजेंड सिक्स लिखो तो ए स्क्वायर क्या होगा थाउजेंड सिक्स और बी को अगर लिखो, तो क्या होगा थाउजेंड फाइव क्या इन दोनों का सम दो हजार ग्यारह आता है अरे आता है करके देख लो थाउजेंड सिक्स प्लस थाउजेंड फाइव दो हजार ग्यारह आता है तो कुछ अपने से जोड़ घटाव भी नहीं करना है यहां डायरेक्ट ही कहानी बन गया फिर से देख लेना ये अगर ए स्क्वायर लिखते हो ये अगर बी स्क्वायर लिखते हो ये अगर टू लिखते हो ये ए है और ये बी है तो यार ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रूट ऑफ रूट ऑफ रूट मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए का वैल्यू है दिस और बी का वैल्यू है दिस इसका होल स्क्वायर क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन हो चुका है खत्म ठीक है ऑब्वियसली ये आ गया रूट ओवर जीरो सिक्स माइनस ये और m का वैल्यू है रूट एन माइनस रूट एन से कंपेयर करोगे कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू आ जाएगा हजार सिक्स एन का वैल्यू आ जाएगा हजार पांच और आपको निकालना है m प्लस एन दोनों को जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से दो हजार ग्यारह आ जाएगा टू आपके आंसर में आ जाना चाहिए ठीक है ये भी कोई बहुत सिंपल मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ठीक है जस्ट मैनुपलेन ठीक है और ऐसा क्वेश्चन ट्रस्ट मी ऐसा क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में करते हो बस वैल्यूज इजी होती है ठीक है बस आपको वैल्यूज इजी होती है बल्कि वहां पे वेरिएबल होता है ठीक है यहां तो टर्म दे दिया है बस इतना सा कहानी था ठीक है इतना कहानी था एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यार एक क्वेश्चन और करते हैं ठीक है एक क्वेश्चन और करते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसा है ए इज इक्वल टू बी माइनस सी बीवल टू सी माइनस डी और सी इक्वल टू डी माइनस ए एबीसीडी जीरो के बराबर नहीं है ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी प्लस डी बाई ए का वैल्यू निकालना है देखो ये उन तरह के क्वेश्चन है जो एक बार में क्रैक कर लिया तो कर लिया नहीं तो कई बार इसको करते रह जाओगे करते रह जाओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी और कुछ लोगों को चुटकी में ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा देखो ए इज इक्व टू बी माइनस सी है बी इज इक्व टू सी माइनस डी है एंड सी इज इक्वल टू डी माइनस सी अगर तुम सिर्फ इसको मैनिपुलेट कर लिए ना जिंदगी बन जाएगा ठीक है तुम्हें यह निकालना वो ठीक है लेकिन अगर तुम सिर्फ इसको मैनिपुलेट कर लिए कहानी सेट हो जाएगा सर कैसे चलो देखते हैं ए पहले इक्वेशन से इस इक्वेशन से ए प्लस सी का वैल्यू बी आ रहा है क्या बी इज इक्वल टू सी माइनस डी दिया हुआ है तो यहां से क्या मैं बी प्लस डी इक्वल टू सी लिख सकता हूं और सी माइनस ए इज इक्वल टू डी दिया हुआ है सॉरी सी इक्वल टू डी माइनस ए दिया हुआ है तो क्या c प्लस एज इक्वल टू डी लिख सकता हूं कहानी सेट हो गया कहानी सेट हो गया थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व तो से भैया b इज इक्व टू डी तो आ गया पहला दो इक्वेशन से b इक्वल टू डी आ गया इस इंफॉर्मेशन को यहां यूज करो क्या आएगा मेरे भाई ये बताओ तुम पहुंच जाओगे b

ए इज इक्व टू इस सी को उधर ले जाओगे तो सी बाई टू माइनस सी यानी कि ए का वैल्यू मतलब माइनस सी बाई टू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस सी बाई टू तो इन चारों को थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं देखने में चीजें आसान हो जाएंगी तो यहां क्या है ए इज इक्व टू ए और बी में क्या रिलेशन है एक मिनट ऐसे टेंशन नहीं लेना है यहां देखो बी इज इक्व टू सी बाई टू है एंड सी बाई टू इज इक्वल टू डी है c बाई टू ए के माइनस के बराबर है यहां c बाई टू इज इक्वल टू कितना माइनस ए तो यहां पे यहां पे मेरे को लिख लेने दो a इज इक्वल टू दिस हाँ अब सही है क्या ये कहानी आप लोगों को दिखा अगर ये कहानी दिखा तो है तो खत्म हो गया क्वेश्चन कैसे सर निकालना है ए बाई बी बी बाई सी सी बाई डी एंड डी बाई ए तो चलो निकालते हैं निकालते हैं ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी प्लस डी बाई ए कहानी यह है कि इन चारों को लाइन से लिखने में आपको सब कुछ लाइन से आराम से खूबसूरती से दिखने लगा है ए बाई बी का वैल्यू माइनस वन है यहां से देख लो भैया बी बाई सी का वैल्यू यहां से देख लो भैया वन बाई टू है ठीक है सी को इधर लाओगे वन बाई टू सी बाई डी का वैल्यू देख लो यहां से टू है ठीक है डी को इधर लाओगे टू को इधर भेजोगे और D और A में माइनस का आंसर है अंतर है तो माइनस टू डी है इसका मतलब A बाई डी या D बाई ए माइनस वन है माइनस वन माइनस वन माइनस टू होता है और टू टक 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 कटेगा और बचेगा आपके सामने वन बाई टू और यही आपका फाइनल आंसर है क्या ये बात समझ पा रहे हो हाँ या ना बोल दो एक बार यार अगर समझ पा रहे हो तो यह क्वेश्चन है तुम्हारा पी आर टू थाउजेंड ट्वेल्व का सीरियल ऑर्डर में शुरू के चार पांच क्वेश्चन और फिर लास्ट के एक दो क्वेश्चन टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन आया था पांच क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में करवाया छह क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है टोटल ग्यारह क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब छह सात को छह क्वेश्चन सात क्वेश्चन कौशन्स जोट्री का है एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन अल्जेब्रा का बचा हुआ है अभी और एक क्वेश्चन नंबर थ्योरी का वो करवाऊंगा लेकिन नेक्स्ट अपना ज्योमेट्री पे होगा और टोटल उस समय 2012 में 20 क्वेश्चन आया था 11 हो चुका है तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और बाकी क्वेश्चन लाते हैं तब के लिए इतना ही बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। सी सिया